गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स 10th बायोलॉजी क्लास. वी हैव स्टार्टेड रिवीजन शेड्यूल ऑफ चैप्टर 1. आज हम उसी के फैक्टर्स करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को. फर्स्ट फैक्टर स्टूडेंट्स हमारा लाइट. इन अ डार्क द फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर. आपको पता है लाइट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फोटोसिंथेसिस. इन अ डार्क फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर. नहीं, इफ लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, लाइट की इंटेंसिटी स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज होती है अप टू अ पॉइंट, देयर इज अ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, मींस लाइट ऑफ द इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोटोसिंथेसिस. जैसे रेट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इंक्रीज होगी, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो बी इंक्रीज. आफ्टर दैट इट बिकम्स कॉन्स्टेंट. एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी. CO2 क्या है, एज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होती है, द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस. जो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अप टू अ पॉइंट एंड देन बिकम्स कॉन्स्टेंट. एक पॉइंट पे जाके वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट. आगे हम बात करें इसमें वाटर की. वाटर में क्या हो जाएगा, इफ द अमाउंट ऑफ द वाटर डिक्रीजेस, मीन्स अगर अमाउंट ऑफ द वाटर क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज होता है, तो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज वेल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी. ओके, आगे हम बात करें टेम्परेचर की. एज अ टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज अप टू अ पॉइंट. ओके, टेम्परेचर एट अ हाई टेम्परेचर द रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, एज अ टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अप टू अ पॉइंट. ऐसा नहीं आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती जाएगी, ऐसा नहीं होगा. रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इंक्रीज भी एक पॉइंट तक होगी. ओके, क्लियर है आपको स्टूडेंट्स. आगे हमारे पास टॉपिक है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में 2-3 मार्क्स में. द स्टोमेटा आर द टर्जर ऑपरेटेड वॉल्व. एक कौन सा वॉल्व होता है, टर्जर. ठीक है, इट्स ओपनिंग एंड द क्लोजिंग रेगुलेटेड बाय टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल. इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कौन रेगुलेट करता है, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल. When water flows into the guard cell, जब water flow क्या guard cells में stomata में, then it swells up and hence turgor pressure is increased. Okay students, आपको clear हो गया. Means जैसे जैसे water का flow क्या हुआ guard cell में, क्या हुआ stomata में, increase होगा. ठीक है, means when water flows into the guard cells of the stomata, then it swells up and have a okay. When the water flows into the guard cells of the stomata, then it swells up and the hence turgor pressure is increased. ठीक है, जो वाटर फ्लो किया वो स्वेल अप हो गया और जो टर्जर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. सिमिलरली ऑन लूजिंग द टर्जर प्रेशर द गार्ड सेल्स श्रिंक. ठीक है, टर्जर प्रेशर लूज हुआ, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज. स्टूडेंट आपको डायग्राम जरूर अच्छे से करना है. दिस इज अ न्यूक्लियर, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटल पोर. आगे देखो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स. ठीक है, अब हमने टॉपिक कर लिया न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, अब हम बात करें न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स. एनिमल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, हेटरोट्रॉफ्स हो गए हैं. ठीक है, दे टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड प्लांट से ले रहे हैं. ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, कई बार वो एनिमल्स से भी लेते हैं. ठीक है, आपको पता है जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा. जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है वो क्या हो जाएगा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में बहुत सारे प्रोसेस, इंजेशन. ठीक है, इंजेशन है, डाइजेशन है, अब्सॉर्प्शन है, असिमिलेशन है एंड द इजेशन. ओके, आज हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की. The organs in the body of a man which helps in the nutrition collectively constitute the digestive system. ठीक है, जो organ body man of the body में help करते हैं. ठीक है, man की body में help कर रहे हैं nutrition, उसे क्या बोलते हैं, digestive system. ये two parts में divided है, alimentary canal, digestive gland. ठीक है,
एलिमेंट्री के नाम में स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, माउथ, बकल केविटी, फेरिंक्स, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड दी एनस। ओके स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, डिटेल हम इसकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।